डॉक्टर भी बढ़ते हैं, रात में भी ड्यूटी करते हैं डॉक्टर, और जो भी पेशेंट जाता है, पहले का जो नंबर का जो रिपोर्ट था आपका बहादुरगंज में लगभग 160-170 पेशेंट का ही नॉर्मल डिलीवरी होता था, मतलब डिलीवरी में। आज वो तादाद पढ़ करके दिसंबर में जो रिपोर्ट दिया मुझे 310 या 315 डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुआ। बहुत कम लोगों को रेफर किया जाता है, आप पता कीजिएगा, इसमें भी सुधार आया। फिर उसका हमने डीएम से भी बात किया था, उस मसले पर डीएम साहब ने बहुत डांट लगाया उन लोगों को, और अभी जो वहाँ डिजिटल एक्सरे के बारे में मैंने बात किया था डीएम साहब से, तो डिजिटल तो नहीं लेकिन वहाँ एक्सरे मशीन बहुत जल्द 7-4 दिन में चालू हो गया बहादुरगंज हॉस्पिटल में। और अभी डिग्री कॉलेज का भी मसला था, इसलिए इसके लिए भी हम लोग उस वक्त के जो शिक्षा मंत्री थे अशोक चौधरी जी, उनसे मिला चुके, कल मंत्रालय बदल गया उनका, हम लोग मिला था उनको डिग्री कॉलेज के लिए भी, वो भी पूर्णिया के वाइस चांसलर से बात भी किए थे इस संबंध में, लेकिन फिर हम लोगों को नए सिरे से नए शिक्षा मंत्री से मिलना पड़ेगा इस संबंध में, इसके लिए भी हम लोग का प्रयास जारी है। अभी अभी जो 28 तारीख तक दिव्यांगों का जो विकलांग है, दिव्यांगों का पहले जो एक सर्टिफिकेट मिलता था, वो सर्टिफिकेट आप ले लिया जाएगा उनको, उनके बदले उनके उनको एक एटीएम कार्ड मिलेगा, वो कार्ड से उनका कहीं को भी उनके लिए कोई सरकार अगर कोई सहूलत देती है उनको इमीडिएट उसका फायदा मिलेगा। वो अभी भागवत में या प्रयागराज में वो काम चालू हो गया है, वो आपको जाकर के सिर्फ जो आपका विकलांग सर्टिफिकेट है वो पुराना वाला दे दीजिएगा, आपको नया एटीएम कार्ड के तरह आपके पास बायपोस्ट आएगा, और जिनका नहीं बन रहा है वो भी बन रहा है, अभी शिविर लगा करके वो लोग आज से चालू किए हैं, 2-3 दिन तक ये रहेगा, उसके बाद भी अगर नहीं बनता है तो 28 तारीख तक ये आपको बढ़ा करके देगा, इसके लिए आप जाकर के वहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। और अभी गोल्डन कार्ड के लिए हम लोग ने सीएस से बात किया था, हेल्थ कार्ड होता है जो 5 लाख तक का इलाज आपको किसी भी हॉस्पिटल में मुफ्त होगा, हमारे पूरे जिला में लगभग 10 लाख लोगों को मिला है जिसका राशन कार्ड है, ऐसे लोगों को मिलना है, लेकिन अब तक 1.5 लाख लोगों को ही मुहैया हो चुका है, क्योंकि हमारे लोग ये कर नहीं रहे, जब बीमार पड़ते हैं तब जगह जगह भटकते हैं, जबकि ये आपके पास अगर बना हुआ रहेगा तो ये आप कहाँ बना सकते हैं, ये पीएससी में आपको मुफ्त मिल जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाले हॉस्पिटल में आपको मुफ्त बना करके देगा, आप अपने राशन कार्ड को लेकर जाइएगा आपको मुफ्त बना के देगा। अगर आपका पीएससी अगर दूर पड़ता है तो वसुधा केंद्र है ग्रामीण क्षेत्र में, वसुधा केंद्र में भी ये बनता है, आप वहां भी जाकर बना सकते हैं, ये सब भी बना करके रखिएगा, तो आपको अगर जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए 5 लाख तक का इलाज आपको मुफ्त होगा, उसके लिए भी आप कर सकते हैं, अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और राशन कार्ड बहुत सारे लोगों का जगह जगह जाते थे तो राशन कार्ड के लिए भी लोगों का शिकायत था कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, कई बार कोशिश किए तो हमने जिला उन्होंने अभी चालू कराया है, तो प्रयागराज में तो काउंटर चल रहा है, लेकिन बहादुरगंज में जो काउंटर पर जिसका बैठना था तो उसका अभी पेट फूट गया एक्सीडेंट में, यहाँ पुलिस जो साहब से बात हुई है उन्होंने कहा कि कल तो नहीं परसों से इंशाल्लाह बैठ जाएगा, आप लोग राशन कार्ड का और तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं जिनका जिनका नहीं बना, बहुत सारे ऐसे लोगों का जिनका राशन कार्ड है कुछ प्रॉब्लम है उसको उनका फिंगर नहीं आता है उनको भी नहीं मिलता है राशन, तो ऐसे लोगों के लिए भी आप नया अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोगों का रह गया, हम समझते हैं एक पंचायत में 100-150 आदमी का बाकी छुटा हुआ होगा, हम एवरेज जो निकालते हैं लगभग ऐसा ही आता है, तो आप लोग